अभी हम बात कर रहे थे उस स्टोरी की, अंधकासुर और भगवान शिव की। तो यहां से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और वास्तु पुरुष मंडल कहलाया वो पद जहां पर देवता और राक्षस निवास करते हैं। अब जब वे निवास करते हैं तो क्या होता है, वे अपने अनुसार लोगों को फल देते हैं हमारे द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से चीज समझाता हूँ कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं, ये समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ। देखिए, ब्रह्मा को इस स्टोरी में क्या लिया जाए, क्या लिया गया है, मेरा अवचेतन मन। शिव क्या है, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। अंधकासुर क्या है, असुर, जो सुर में नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी फील्ड। मैंने कोई कार्य किया, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, और मेरे मन में जैसे ही वो ख्याल आया, एक दूसरा ख्याल मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि यार शायद मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये क्या है, ये है नेगेटिव एनर्जी फील्ड जिसने आपको तुरंत उस काम को करने से रोका। अब जैसे ही आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को ओवरकम किया, आप उस काम को कर पाओगे। और यदि आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को या असुरी तत्व को अपने ऊपर विचारों को आने दिया, तो हम उस काम में फेल हो जाते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर किसी काम को करने से पहले 50 बार सोचता हूं और मैं अपने कामों को सिद्ध नहीं कर पाता हूं, मेरी लाइफ में नए अवसर नहीं आते हैं, मैं सामाजिकता से लोगों से जुड़ नहीं पाता हूं, मैं अपने मन में, मैं अपनी बौद्धिक क्षमता में, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उस तरीके से विचार नहीं कर पाता, मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे फेम या रिलैक्सेशन या यश या वैभव नहीं मिलता है, मैं अपने संबंधों को ढंग से चला नहीं पाता हूं, मैं अपनी स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाता हूं। कई लोग बहुत दक्ष होते हैं लेकिन वो अपने स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैं अपने किए गए कार्यों में ढंग से गेंद नहीं ले पाता, मेरे द्वारा किए गए कार्य से मुझे उतने लाभ नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, मेरे को टाइम पर सपोर्ट नहीं मिलता है मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का, मेरी लाइफ में वो अट्रैक्शन नहीं है जो आना चाहिए मेरे और मेरे पति के, पत्नी के बीच में, या पति और पत्नी के बीच में। यदि कोई अट्रैक्शन में कमी है, वास्तु भी इसका एक कारण है। यदि हम ओवर चिंता करते हैं, ओवर एनालिसिस, किसी बात में बिना बात के मंथन करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, यह भी वास्तु की वजह है, यह भी वास्तु का एक कारण है। तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स आर मोर देन पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स। तो आज मैंने आप लोग